Hello everyone, so we are back. Now we will continue with our chapter number 5, Indigo, book is Flamingo. So last time we were reading that Gandhiji's turning point in life. कैसे गांधी जी जो हैं वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बने, पहले कैसे उनकी उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कुछ अपने कंट्रीमैन के लिए करना चाहिए. तो चंपारण का जो एपिसोड था, चंपारण आपने SST में भी आपने पढ़ा होगा ना चंपारण के एपिसोड के बारे में, तो कैसे चंपारण के एपिसोड ने उनकी लाइफ जो है वो चेंज कर दी. कि क्या था वहाँ पर, शेयर क्रॉपर्स जो थे, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो थे वो धीरे धीरे लैंड, फार्मिंग लैंड्स को जो है अपने अंडर कर रहे थे. तो क्या हुआ कि वहाँ पर लोगों ने, जो फार्मर्स थे, उन को जो है अपनी ही लैंड पर जो है वो पूरा कब्ज़ा नहीं था. ब्रिटिशर्स ने एस्टेट्स बनाए हुए थे और ब्रिटिशर्स जो है उन पर इंडिगो की, मतलब कि नील की जो है वो क्रॉपिंग करवाते थे. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही, और फिर उनसे 15% जो है एक तरह से बट्टाई हम बोल सकते हैं कि उनसे टैक्स की तरह जो है वो लेते थे. लेकिन जैसे ही जो है इंडिगो वहाँ पर जो है पता चला कि जो सिंथेटिक इंडिगो जो है वो बन चुका है, और फिर जो है सिंथेटिक इंडिगो आने से जो है वो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि उनको इंडियन फार्मर्स को बोला कि अगर आप लोगों को अपनी ज़मीन वापस चाहिए तो आपको जो है उसके बदले में कंपनसेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा. तो इसी मामले में जो है एक पीजेंट जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो जो है फिर गांधी जी के पास जाता है. तो गांधी जी जो है वो फिर चंपारण आते हैं और फिर उनको असलियत का पता चलता है. तो वहीं पर जो है फिर धीरे धीरे सारे लोग आसपास के उनके गांधी जी के साथ होते हैं. तो फिर ब्रिटिशर्स जो है वो देखकर थोड़ा घबरा भी जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं. तो इसी बीच में जो है फिर उनको नोटिस आता है कि वो जो है चंपारण जो है वो इजीली कि जल्दी से जल्दी छोड़ दें. तो फिर गांधी जो है वो साइन करते हैं कि दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं. तो यहीं तक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, दैट इज़ पेज नंबर 50 ना. सो नाउ लेट्स रीड कि अब आगे क्या हुआ. In consequences, Gandhi received a summons to appear in the court the next day. फिर उन्होंने लॉ ऑर्डर को जो है वो डिसोबे किया था, तो इसी के कारण जो है गांधी जी को समन्स आते हैं कोर्ट से कि वो जो है अगले ही दिन जो है वो कोर्ट में अपीयर होंगे, पेश होंगे. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, सारी रात गांधी जागते रहे. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. तो फिर उन्होंने फटाफट टेलीग्राम किया, जो है राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेजा कि वो जल्दी से जल्दी बिहार से जो है कुछ अपने फ्रेंड्स जो कि जिनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा है इस एरिया में, उनके साथ आए. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, तो आश्रम में भी उनके पीछे काम पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आश्रम में भी भेज दी अपनी, कैसा काम वहाँ पर जब तक करो. ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वॉइसराय, तो वाइस राय को भी उन्होंने पूरा का पूरा फुल डिटेल जो थी इस केस के बारे में वो सारी की सारी जो है उन्होंने समझा दी, उनको फ़ोन पर कर जो है वो सारा उनको समझा दिया. नाउ मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स. तो जैसे ही सुबह होती है तो देखने को आता है कि सारे जो हैं वहाँ पर जो है जितने भी वहाँ पर पीजेंट्स से मोतिहारी के, वो सारे जो है मैंने कि मोतिहारी ब्लैक, मतलब कि चारों तरफ किसान ही किसान जो थे वो दिखाई दे रहे थे. दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका का जो उन्होंने आंदोलन लड़ा था याद है ना आपको, थोड़ा सा आपने SST में पढ़ा भी होगा कि गांधी जो है साउथ अफ्रीका में भी जो है वो जो होते थे ना, जैसे अपार्थिड की जो पॉलिसी वहाँ पर चल रही थी, 10th में आपने पढ़ा था नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर ना अपार्थिड का, तो अपार्थिड की वहाँ पर जो पॉलिसी चल रही थी उसके अगेंस्ट जो है गांधी ने जो है वहाँ पर काम किया था. सो वहाँ पर जो है फिर कहते कि गांधी लोगों को वो जो है पता नहीं था गांधी के बारे में ऐसे कि वहाँ पर जो है ऐसा जो है
इनकी इन्होंने काम किया है. दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वॉन्टेड टू हेल्प दैम वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़. बस उनको यही पता चला कि जो महात्मा हम लोगों के लिए लड़ रहा है तो वो अथॉरिटीज़ के साथ जो है हायर ऑफिशियल्स के साथ ब्रिटिशर्स के साथ उनको कोई मुसीबत है. देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिब्रेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश. तो जो एकदम से अपनी मर्ज़ी से जो लोग जो हैं वहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है कोर्ट हाउस के बाहर जो है वो लोग इकट्ठे हुए, तो ये एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि हम ब्रिटिशर्स से नहीं डरते हैं, हमें आज़ादी चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए. तो वो लिब्रेशन की जो है वो डर जो था वो ख़त्म होता जा रहा था ब्रिटिशर्स का. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन. तो अब गांधी के कोऑपरेशन के बिना वो जो ऑफिशियल्स थे जो भी पुलिस वगैरह थे कोर्ट के बंदे थे वो उनको जो है कोऑपरेशन के बिना गांधी की जो है वो अपने आप को पावरलेस समझ रहे थे. ही हेल्प देम रेगुलेट क्राउड. तो फिर गांधी ने ही उनको जो है उस भीड़ से निपटने में हेल्प की. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. तो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे. ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथर्टो ड्रीडेड एंड unquestioned could be challenged by Indians. तो इतनी भीड़ से जो है वो गांधी जो हैं वो यही उन अंग्रेज़ों को ब्रिटिशर्स को यही समझाना चाहते थे, प्रूफ के साथ समझा दिया एक तरह से यही हम बोल सकते हैं कि वो सोच रहे थे कि उनके काम पर उनके एक्शंस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, उनको कोई अब तक जो है रोक नहीं सकता था. तो ये जो है अब टाइम ख़त्म हो चुका है, अब इंडियंस जो हैं उनके हर क्वेश्चन को हर एक्शन को चैलेंज जो है वो कर सकते हैं. द गवर्नमेंट वॉज बेफर्ड. तो गवर्नमेंट जो थी वो एक तरह से पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि कन्फ्यूज हो चुकी थी. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. तो जो प्रोसिक्यूशन था मतलब कि जो ऑफिशियल वहाँ का मुकदमा चलाने वाला जो पूरा ऑर्गेनाइजर था जो इनकी वकील था वो उसने यही कहा जज से कि जो भी हमारा यहाँ पर अभी ट्रायल है उसको पोस्टपोन किया जाए. अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. तो फिर अथॉरिटीज़ ने यही चाहा कि हम अपने बड़ों से अपने सीनियर से जो है वो बात कर लें. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. लेकिन गांधी ने जो देरी हो रही थी उसके अगेंस्ट वो बोले. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. तो उन्होंने एक जो है वहाँ पर बयान पढ़ा, एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें उन्होंने खुद को जो है वो माना कि मैं गिल्टी हूँ, मेरा दोष है. ही वॉज इन्वॉल्व ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज ऑन द वन हैंड नोट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमिनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम. तो फिर उन्होंने जो है वो खुद कहा कि मैं इन सब में जो है वो इन्वॉल्व था, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ कि मैं ड्यूटीज़ जो मेरी बनती हैं वो जो है मैं उसको जो है नहीं वें कि एक तरह से पूरा कर पाया. एक तरफ तो ये था और दूसरी तरफ ये भी था कि वो बैड एग्जांपल नहीं क्रिएट करना चाहते थे कि मैं कानून को तोड़ने वाला था. और दूसरी तरफ क्या था कि टू रेंडर टू ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस. तो साथ के साथ दूसरी तरफ वो जो है लोगों का जो मानवीय जो था यानी कि लोगों के लिए जो काम करना था, नेशनल की सर्विस थी, उसको भी साथ के साथ जो थे वो पूरा करना चाहते थे. फॉर विच ही हैड कम. और उसी सर्विस के लिए, नेशनल सर्विस के लिए वो वहाँ पर चंपारण में आए थे. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वॉन्ट of respect for lawful authority but in obedience to the higher law of our being the voice of conscience. तो उन्होंने जो है उस ऑर्डर को जो है वो नहीं माना कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, बल्कि लॉ की जो है डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि एक तरह की हायर ऑफिशियल हायर जो लॉ है जो हमारी अंदर की आवाज़ है उसका जो है एक तरह से
किया, उसके ओबीडियंसी जो है उन्होंने अपनी शो की। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने ये भी पूछा कि मुझे कितना खर्चाना, कितनी पेनल्टी जो है इसके लिए भरनी पड़ेगी। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस्ड सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रिसेस एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। तो फिर मैजिस्ट्रेट ने तो यही कहा कि 2 घंटे की जो हमारी रिसेस है उसके बाद आपको जो है जेल होगी। और फिर गांधी को बोला कि एक तरह की आपकी एक 2 घंटे मतलब कि 120 मिनट की आपकी तरह की ये बेल है, आपको जो है थोड़ा छोड़ा जाता है। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना किया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो फिर जज ने जो है उनको बिना किसी बेल के जो है वो वहाँ से छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो दोबारा जब जो है कोर्ट का सेशन स्टार्ट हुआ तो जज ने कहा वो कई दिनों तक जो है अपना जजमेंट नहीं देगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और तब तक के लिए जज ने कहा गांधी जो है यहाँ पर लिबर्टी के साथ मतलब फ्रीडम के साथ रह सकते हैं। सो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो राजेंद्र प्रसाद को जैसे उन्होंने टेलीग्राफ किया था, तो राजेंद्र प्रसाद जो है ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और कई सारे ऐसे ही लॉयर्स के साथ जो है बिहार से वापस आते हैं। दे कन्फर्ड दैट विद गांधी, तो वो सारे के सारे जो हैं वो गांधी के साथ जो हैं कन्फर्ड मीन्स डिस्कस करते हैं। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। तो फिर अब यही सारे के सारे यही डिस्कस करते हैं कि अगर गांधी को जो है सज़ा हो जाती है, जेल हो जाती है, तो सब क्या करेंगे। गांधी आस्क्ड, फिर गांधी ने पूछा व्हाई। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, तो इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो फिर गांधी ने इनसे पूछा कि सीनियर जो है, तब गांधी के ये क्वेश्चन पूछने पर जो है वो सीनियर लॉयर जो है वो यही सवाल करते हैं, रिप्लाई देते हैं कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वो गांधी की हेल्प करने और उनको सलाह देने के लिए आए थे। अगर वो जेल चले जाते हैं गांधी, तो यहाँ पर कोई भी एडवाइस देने के लिए नहीं रहेगा और वो सारे के सारे वापस चले जाएंगे। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। तो गांधी कहते हैं कि फिर जो इनजस्टिस यहाँ पर हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ, इन किसानों के साथ, उनका क्या होगा। द लॉयर्स विदड्रू टू कंसल्ट, तो फिर जो सारे के सारे लॉयर्स थे, सारे के सारे जो वहाँ पर बैठे हुए थे वकील थे सारे के सारे, वो लोग जो हैं वो यही कि एक तरह से जो है वो कंसल्ट करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, तो राजेंद्र प्रसाद ने वो जो भी उन्होंने बातचीत की, कंसल्ट किया एक दूसरे के साथ, वो सारा का सारा जो है वो एक तरह से सारा का सारा अपशॉट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं एक तरह से। दे थॉट अमंग देमसेल्व्स दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स। इफ दे ऑन द अदर हैंड बींग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। तो फिर वो जो है आपस में यही सोच रहे थे कि गांधी तो जो है वो टोटली एक तरह के यहाँ पर अजनबी हैं, वो तो किसी दूसरी जगह से आए हैं, तो वो जो है सिर्फ यहाँ पर एक तरह से पीजेंट्स के लिए आए हैं और उन पीजेंट्स के लिए, उन फार्मर्स के लिए जो है वो तैयार हैं जेल जाने के लिए। और दूसरी तरफ जो है इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बींग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। तो फिर उन्होंने यही कहा कि
हम लोग तो साथ के डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, बल्कि हम लोगों में से कई वकील तो ऐसे थे जो कि इन काश्तकारों के, मतलब कि इन बटाईदारों के, इन किसानों के जो हैं सेवा करने के लिए हमने जिम्मा भी उठाया था, हमने ऐसा अनाउंस भी किया था अगर हम गांधी के बिना घर चले जाएंगे, गांधी के जेल जाने पर हम लोग इन सभी को छोड़कर चले जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही शेमफुल वाली, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल। तो फिर उन्होंने फिर लास्ट में यही कहा कि वो सारे गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर गांधी जेल जाते हैं तो हम भी उनके साथ जेल में जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड। तो गांधी ने फिर यही कहा कि अब चंपारण की लड़ाई जीती गई है। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. तो उसके बाद उन्होंने एक पेपर कागज़ उठाया और वकीलों को जो है ग्रुप्स में बांट दिया, पेयर्स बना दिए कि कैसे जो है कैसे कैसे करके वो कोर्ट में जो है जाकर अपने आप को अरेस्ट करवाएंगे। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. तो फिर कई दिनों के बाद जो है गांधी को जो है मैजिस्ट्रेट ऑफिस से जो है एक रिटन में जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है वो अपना केस जो है, अपना मुकदमा जो है वापस ले लिया है, उसको ड्रॉप कर लिया है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि सिविल, हम लोग जो हैं जो कि हम लोग दूसरों के अगर कानून हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो उसके बारे में हम खड़े होते हैं, तो ब्रिटिशर्स में ये सबसे ज़्यादा था ब्रिटिशर्स टाइम में। तो उस टाइम जो है कहते हैं कि फर्स्ट टाइम था कि वो मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस जो है उसके जीत हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंच इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स। तो गांधी और साथ के साथ जो दूसरे लॉयर्स थे उन्होंने जो है अपना दूर के जो इंक्वायरी है, फार फ्लंच मतलब कि दूर दूर के जो एरियाज थे वहाँ पर, वहाँ तक जो है ग्रीवेंसेज मतलब कि एक तरह से कंप्लेंट जो है वो फार्मर्स की लेनी शुरू की। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस। तो 10,000 किसानों के जो है ऑलमोस्ट जो है वहाँ पर उनके जो है वो सारी की सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो लिखी गई, उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो प्रॉपर लिखी गई और जो है जो भी एविडेंसेस उनको मिल सकते थे वो सारे उन्होंने वहाँ पर लिए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हुए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो जो है सारा का सारे एरिया में जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक वहाँ पर जो है मूवमेंट जो है वो चल चुकी थी, चारों तरफ इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और एक तरह का प्रोटेस्ट जो था, आंदोलन जो था वो लैंडलॉर्ड्स का वो बन चुका था। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जून में गांधी को सर एडवर्ड गेट का, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका सम्मान आता है। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। फिर उन्होंने जो है डिस्कशन स्टार्ट की अपने वही लॉयर्स के साथ कि सारा का सारा उन्होंने प्लान जो है सिविल डिसोबीडियंस का बनाया कि अगर वो वापस जो है गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर वापस जो है वो नहीं आते हैं। गांधी हैड फोर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन। तो गांधी के साथ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो है वो बातें जो है
होनी शुरू हुई और साथ के साथ लंबी काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो बातें उनके बीच में हुई। और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, इसका रिजल्ट यही हुआ कि एक कमीशन जो है इंक्वायरी का, वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन के बारे में जो है वो बैठा। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। तो उस कमीशन के जो मेंबर्स थे लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब वो जो ब्रिटिशर्स थे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और गांधी जो कि अकेले एक फार्मर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। तो गांधी जो है चंपारण में लगातार जो है वो 7 महीने तक रहे और फिर छोटे छोटे टाइम के बाद जो है वो बार बार वहाँ पर आते जाते रहते। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली और द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट्स इन द एक्सपेक्टेशंस दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीजीज लाइफ। तो वो विजिट जिसमें एक अनपढ़, एक आम आदमी जो है वो गांधी से जस्ट हेल्प लेने के लिए गया कि आपको बस कुछ ही दिन लगेंगे हमारा इस काम करने के लिए, तो इसी हेल्प के लिए वो जो है गांधी वहाँ पर गए। लेकिन गांधी जी की लाइफ का इस मूवमेंट ने 1 साल ले लिया। ठीक है, तो आज का चैप्टर जो है वो यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। गुड बाय।